बिजनौर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ट्रेन हादसा टल गया है। किसान एक्सप्रेस ट्रेन दो हिस्सों में बट गई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गनीमत ये रही है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। सुबह 4 बजे एसी बोगी से टूटकर अलग हुई है ये बोगी। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हादसे के पीछे टेक्निकल फॉल्ट बताई जा रही है वजह। ट्रेन में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के कई अभ्यर्थी बैठे हुए थे। ये हादसा स्योहारा रेलवे स्टेशन पर हुआ है। किसान एक्सप्रेस जिसमें सवारी बैठे हुए थे और काफ़ी बच्चे भी इसमें बैठे थे परीक्षार्थी, ये गाड़ी किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण दो भागों में बट गई थी, जो स्योहारा स्टेशन पर रुकी हुई है। इसमें जो विद्यार्थी थे, जो अभ्यर्थी थे यूपी पुलिस परीक्षा वाले, इनको हमने बसों में लाद करके भिजवा दिया है, गंतव्य स्थान पर भेज दिया है और रेलवे प्रशासन अलर्ट है और ये ट्रेन को जोड़ करके जल्दी ट्रेन को रवाना कर दिया जाएगा। और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है शिवम। ये हादसा कैसे हुआ है, दो टुकड़ों में कैसे, दो हिस्सों में कैसे बट गई है ये ट्रेन, पूरी जानकारी इस पर दें। जी मैं आपको बता दूं, पूरा मामला बिजनौर जनपद के जो थाना पलता सिहारा मरवाल सिहारा धामपुर स्टेशन के बीच का है। ये लगभग आज सुबह करीब 4 बजे की घटना है। ये जो किसान एक्सप्रेस ट्रेन थी झारखंड को जा रही थी, तो जिसको लेकर ये जिस तरीके से ये कपलिंग टूटने से, जो उसकी बोगी लोग उसमें 13 डिब्बे इसमें लगे हुए थे और इस कपलिंग टूटने से ये दो ट्रेन दो हिस्सों में बट गई और गनीमत ये रही कि कोई अनहोनी ना हुई। फिलहाल पुलिस मौके पहुंची और जो रेलवे विभाग के कर्मचारियों का हड़कंप मच गया। अब पूरे मामले में इसमें टेक्निकल फॉल्ट देखते हो कि अनकमियों से ये हादसा होने से बचा है और ये हादसा हुआ है थोड़ा थोड़ा, ताकि कोई गनीमत रहे कि कोई इसमें कोई हादसे का शिकार ना हो पाया ट्रेन। अब उन ट्रेन को दूसरे बुलाकर उसे जोड़ देकर भी रवाना कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शिवम शर्मा जानकारी के लिए। तस्करी के पुष्पा स्टाइल से अलग भी एक आइडिया जिसने पुलिस के छक्के छुड़ा दिए हैं, पुलिस को हैरान कर दिया है। दरअसल पूछताछ में ही पुलिस को शक हो गया था, लेकिन जब हकीकत पता चली तो पुलिस के भी होश उड़ गए। क्या है तस्करी का ये नया तरीका जिसका आगरा पुलिस ने खुलासा किया है और आरोपी को जेल की सैर करा दी है, देखिए इस रिपोर्ट में। क्रिकेट का बल्ला ले जा रहा युवक, पुलिस ने पूछा हाल तो हुआ शक, फिर जो खुला राज तोड़ गए होश। दरअसल ड्रग तस्करी में अब तक कई शातिर बदमाशों ने नए नए तरीकों से चौंकाया है। कई शातिर तस्कर अपने नए ईजाद तरीकों से लोगों को हैरान करते आए हैं। अब ऐसी ही एक अनोखी तस्करी के मामले का आगरा पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। आगरा में क्रिकेट का बल्ला लेकर जा रहे एक युवक को पुलिस ने रोका। जब उसकी तलाशी ली तो हकीकत खुल गई। इस बल्ले में 1.5 किलो से ज्यादा मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। आरोपी को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। अभी तक आपने गांजा तस्करी के कई ऐसे मामले देखे और सुने होंगे जिसमें गांजा तस्करी के अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन आगरा में GRP और RPF पुलिस के द्वारा एक ऐसे गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया जिसका तस्करी करने का तरीका बिल्कुल ही अलग था। GRP और RPF पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक क्रिकेट खेलने का बल्ला बरामद हुआ। इस तस्कर ने बल्ले को बीच में से खोखला करके उसके अंदर गांजा छुपा रखा था। मामूली तौर पर इस बल्ले को क्रिकेट खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये तस्कर इस बल्ले का इस्तेमाल गांजे की तस्करी करने के लिए करता था। GRP और RPF पुलिस ने चेकिंग के दौरान कोसी के रहने वाले विजेंद्र को गिरफ्तार किया। इसके पास से पुलिस को एक क्रिकेट खेलने वाला बैट मिला। पहले तो उस बल्ले को हल्के में लिया, जब आरोपी से पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसी बल्ले में असली राज निकलकर सामने आया। लगभग 1 किलो 750 ग्राम गांजा उस बल्ले के अंदर छुपाया था और फिर उसको पूरी तरह से पैक कर दिया। अगर पकड़ा जाए तो पुलिस सिर्फ एक मामूली सा बल्ला समझकर उसको छोड़ दे, लेकिन आगरा की GRP और RPF पुलिस ने जब गहनता से जांच पड़ताल की तो अलग ही सच सामने आया। बल्ले में तस्करी के लिए पहले बीच में से उसे खोखला किया गया, फिर उसके अंदर गांजा भर दिया, उसके बाद बल्ले को पैक कर दिया गया। ऐसा इसलिए ताकि अगर पुलिस पकड़े भी तो मामूली सा बल्ला देखकर छोड़ दे।
पुलिस ने जब बल्ले को खोला तो उसमें से पुलिस को 1 किलो 750 ग्राम गांजा मिला। बल्ले के अंदर से 1 किलो 750 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि वह दूसरे जिले से ये गांजा लेकर आता था और आगरा समेत आसपास के जिलों में इसकी सप्लाई करता था। फिलहाल पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से बैट और 1 किलो 750 ग्राम गांजा भी बरामद किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो इस गांजे की तस्करी आगरा समेत आसपास के जिलों में करता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। असम के नागांव में गैंगरेप कांड के एक आरोपी की मौत तालाब में डूबकर हो गई है। बताया गया है कि पुलिस सुबह 4 बजे क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए आरोपी को घटनास्थल पर लेकर गई थी और इसी दौरान आरोपी तफाजुल इस्लाम ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की और तालाब में कूद गया। कुछ घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद आरोपी का शव तालाब से बरामद किया गया। असम में नाबालिग लड़की के गैंगरेप में 3 संदिग्धों में एक तफसुल इस्लाम को कल गिरफ्तार किया गया था। देखिए पूरी रिपोर्ट। तालाब में डूबकर मरा दरिंदा। गैंगरेप के आरोपी को मिली सजा। असम में नागांव में एक 14 साल की लड़की के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई। मामले में 3 आरोपियों में एक को पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक जब उसे घटना स्थल पर ले जाया जा रहा था तो आरोपी ने भागने की कोशिश की और वो इस तालाब में कूद गया। बाद में तालाब से उसका शव बरामद किया गया। अभी भी 2 नहीं पकड़ा गया है, एक ही पकड़ा गया है जो जिसका अभी मौत हो गया, उसका डेथ हो गया। आज मॉर्निंग को हम लोग को मिला है उसका डेथ बॉडी, यही इसी तालाब के तालाब में मिला है। तो हम लोग को अभी बाकी जो रेपिस्ट है जो घूम रहे अभी भी उन लोग को मतलब पकड़ के हम लोग को सौंपना है। उन लोग को इतना आसान मृत्यु वो डिजर्व नहीं करते। हम जो 2 लोग अभी बाहर है उन दोनों को भी हम लोकल प्रशासन को यही बात बताना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी उनको भी अरेस्ट कीजिए और कड़ी से कड़ी सजा उन दोनों को भी दीजिए। जिस आरोपी की तालाब में डूबकर मौत हुई उसका नाम तफजुल इस्लाम है। आरोप है कि तफजुल इस्लाम ने 2 लोगों के साथ मिलकर 22 अगस्त की शाम ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही 14 साल की लड़की के साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप की घटना पर नागांव में लोग सड़कों पर उतरे थे, इंसाफ के लिए आवाज उठाई। लोगों का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने आश्वासन दिया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जैसे मेरा ढिंग में घटना हुआ मैं तुरंत डीजीपी को भेजा, 2 लोगों को 2-3 घंटा में ही अरेस्ट किया, मंत्री भी उधर चला गया और आगे का भी कठोर कार्रवाई होगा ही होगा। आरोपी की तालाब में डूबकर मौत होने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। जैसा मैंने देखा टेलीविजन में भी कि वो कूद गया और उसके बाद में डूब गया और उसके बाद में उसकी मरी हुई लाश मिली, तो अब किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ, अगर पुलिस कस्टडी में आया तो कैसे कूद गया वो, नॉर्मली तो ऐसा होना नहीं चाहिए। फिलहाल लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। 2 आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं और लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे अल्मोड़ा से खबर, जहां के धनिया में डिग्री कॉलेज बनने से लोगों को बड़ी राहत मिली है, लेकिन छोटे छोटे कमरों में 500 स्टूडेंट्स की पढ़ाई चुनौती बन गई है। ये पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। धनिया में 2021 से डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज की आवासीय बिल्डिंग में चल रहा है, क्योंकि डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग 2 साल से बन रही है जिसे सितंबर में बनकर तैयार होना था लेकिन वो आज तक तैयार नहीं हो पाई, जिसकी वजह से डिग्री कॉलेज के बच्चों को पढ़ने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महाविद्यालय जो है राजकीय इंटर कॉलेज के आवासीय परिसर में चल रहा है। यहाँ पर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 500 से अधिक छात्र हो चुके हैं और इस व्यवस्था में अभी हम बच्चों को
यहाँ पर व्यवस्थित कर रहे हैं। और कुछ हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था भी होती है, जैसे कभी हम एग्जामिनेशन है या कोई हम कोई प्रोग्राम देते हैं तो हम GIC के कोका हॉल ले लेते हैं या उनके कमरे हमको उपलब्ध करा दिए जाते हैं। डिग्री कॉलेज के बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर है क्योंकि बच्चों की संख्या ज्यादा है और जिस बिल्डिंग में कॉलेज चल रहा है वहाँ जगह कम है। डिग्री कॉलेज में इस समय 500 स्टूडेंट्स हैं। अगर मतलब हमारे पास हमारी बिल्डिंग होती तो उसमें ज़्यादा मतलब पढ़ने में हो रहता क्योंकि यहाँ पे बारिश से प्रॉब्लम होती है बच्चों को आने में भी, और अगर अपने रूम्स होते तो बच्चों को उतनी वो नहीं होती, मतलब जगह भी होती और प्रोग्राम्स के लिए भी, तो अपनी बिल्डिंग होती तो ज़्यादा बेटर रहता। अभी हम इंटर कॉलेज की सरकारी बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं और यहाँ कमरे छोटे होने के कारण जिस दिन बच्चे ज़्यादा होते हैं तो बैठने की दिक्कत होती है। अगर हमारा कॉलेज जल्दी बन जाता है तो हमारी ये समस्या भी दूर हो जाएगी, और जिस दिन यहाँ बच्चे ज़्यादा आते हैं तो हमें नीचे ग्राउंड में बैठना पड़ता है। सर्दियों में तो हम लोग बैठ लेते हैं लेकिन जब गर्मियों के टाइम पर धूप ज़्यादा होती है तो हम यहाँ ग्राउंड में नहीं बैठ पाते। डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग 2 सालों से निर्माणाधीन है जिसकी वजह से बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और निर्माण एजेंसी की लापरवाही बच्चों पर भारी पड़ रही है। न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।